स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके कंस्ट्रक्शन के बाद उस रीजन का नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाता है। इन प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ खास होता है। वो लोगों के लिए तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, पर वो पहली बार उस पैमाने पर बन रहे होते हैं जैसा पहले कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ होता, जैसे आईफिल टावर, हूवर डैम, बुर्ज खलीफा एक्सेट्रा जैसे प्रोजेक्ट्स। अब इन प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है कि इनसे बड़े ऊंचे या महंगे प्रोजेक्ट दुनिया में नहीं बनाए गए, पर जब इनका कंस्ट्रक्शन हुआ था उस वक्त इन प्रोजेक्ट्स ने दुनिया की नज़र अपनी ओर खींची थी। आज हम ऐसे ही प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये है हीराकुड डैम। रिवर महानदी पर बना ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, जो करीब 4.8 किलोमीटर लंबा है। भारत की आज़ादी के बाद बनने वाले मेजर प्रोजेक्ट्स में से एक ये डैम है, जो उड़ीसा में सिचुएटेड है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा लेट की गई सरकार में हुए मेजर कंस्ट्रक्शंस में से एक ये डैम को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्टडी आई क्यू के यूपीएससी प्री प्लस मेंस के फुली लाइव बैच को बेहतरीन सपोर्ट देने के लिए आप सबका शुक्रिया। जैसा कि आप सबको पता है, लाइव क्लासेस की शुरुआत 20th जून शाम 6 बजे से हो रही है, और इस लाइव बैच में लास्ट की कुछ सीट्स बची हुई हैं। पिछले कुछ वक्त से इस बैच के कुछ शानदार फीचर्स आपको लगातार बताए जा रहे हैं, जैसे 1-to-1 मेंटोरशिप, 900 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। और इसी कड़ी में एक और भी इम्पॉर्टेंट फीचर है जो स्कोर्स को और भी रिलायबल बनाता है, और वो है MCQ बेस्ड लर्निंग। दोस्तों हर लेक्चर के एंड में आपको उस लेक्चर से रिलेटेड MCQs मिलेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ये MCQs बेसिकली स्टैटिक टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे और आपके रिवीजन को भी ये क्वेश्चंस आसान बनाएंगे, जिससे प्रीलिम्स में आप करेक्ट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को तो रिकॉल कर ही पाएंगे, साथ ही साथ एलिमिनेशन टेक्निक में भी आप निपुण हो जाएंगे। दोस्तों इस बैच में 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस में एडमिशन लेने के लिए AG लाइव कूपन कोड को आप यूज कर सकते हैं, और इस कोर्स से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट्स में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आज का भारत एक सदी पुराने भारत से अलग है। ये भारत एक वैज्ञानिक सोच वाला सोशल साइंटिस्ट की मेहनत से बना इनोवेटिव यंगस्टर्स की लगन का नतीजा है, जो पहले ऐसा नहीं था। आज भारत वर्ल्ड पॉपुलेशन में 17% कंट्रीब्यूट करता है। ये दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है। 75 ईयर्स पहले इंडिया ने इंडिपेंडेंस प्राप्त की। करीब 200 साल तक चले डिस्पोटिक ब्रिटिश रूल ने इंडिया को एक गरीब, डिपेंडेंट, अंडर डेवलप्ड, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड नेशन बनाकर छोड़ा था। इंडिया 1947 में होपलेसली गरीब था। ये ब्रिटेन के लगातार किए गए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा था। 1/6 इंडिया से भी कम लोग पढ़े लिखे थे। ऐसे में एक्सट्रीम पॉवर्टी और सोशल डिफरेंसेस के कारण इंडिया के सर्वाइवल पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। कैम्ब्रिज के हिस्टोरियंस ऑगस्ट मेडिसन के काम बताते हैं कि इंडिया का ग्लोबल इनकम में शेयर 1700 में 22.6% था, जो कम होते होते ब्रिटिश राज में इतना कम हुआ कि 1952 में ये शेयर केवल 3.8% रह गया। मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कुछ फोकस एरियाज डिसाइड हुए। कई इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पावर कंजम्पशन को देखते हुए कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। न्यूक्लियर पावर एक अलग डायमेंशन था, लेकिन उस पर भी काम तुरंत शुरू हुआ। इन्हीं सब में हीराकुड डैम भी मेजर प्रोजेक्ट था। हालांकि उस वक्त भारत की पॉपुलेशन आज की तुलना में काफ़ी कम थी, लेकिन केवल पॉपुलेशन ही पावर कंजम्पशन का एकमात्र फैक्टर नहीं होता है। उस वक्त रैपिड डेवलपमेंट एक नेसेसिटी बन गया था। नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ इंटरनेशनली भी इंडिया को ग्रो करना था। इंडिया हमेशा से एक एग्रेरियन इकोनॉमी रहा है। ऐसे में फार्मिंग सेक्टर को इरिगेशन और प्रोडक्शन एनहांसमेंट की जरूरत थी। किसानों का वेलफेयर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा है। इसके सॉल्यूशन के रूप में डैम्स और उनसे निकलने वाली कैनाल्स क्रूशियल स्टेप्स और टर्निंग पॉइंट रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स, हाउस होल्ड्स, स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह पावर कंजम्पशन हो रहा था। इसलिए पावर जनरेशन में भी हीराकुड डैम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगले सेगमेंट में हम हीराकुड डैम के स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालते हैं। रिवर महानदी पर उड़ीसा के संबलपुर से 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम बना हुआ हीराकुड डैम एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। हालांकि इस प्रोजेक्ट का आइडिया इंडिपेंडेंस के पहले से ही डिस्कशन और प्रपोजल स्टेज पर था। 1937 के हाई फ्लड्स के बाद इंजीनियर
एम विश्वेश्वरैया ने महानदी बेसिन में एक स्टोरेज रिजर्वायर बनाकर महानदी डेल्टा में होने वाले फ्लड्स को रोकने का प्रपोजल दिया था। बाद में 1945 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में ये डिसाइड हुआ कि महानदी के फ्रूटफुली और एक्सपीडिशियली मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। उस वक्त सेंट्रल वाटरवेज इरीगेशन और नेविगेशन कमीशन ने इस काम का जिम्मा अपने हाथों में लिया। मार्च 15, 1946 को उस वक्त उड़ीसा के गवर्नर सर हॉथरोन लुइस ने हीराकुड डैम का फाउंडेशन स्टोन रखा। इस प्रोजेक्ट में मेन डैम की लेंथ 4.8 किलोमीटर है, जो लामडुंगरी हिल्स और चांदी डुंगरी हिल्स के बीच बना हुआ है। डैम के दोनों तरफ करीब 21 किलोमीटर लॉन्ग अर्थन डाइक्स बनाई गई हैं। रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट वेबसाइट्स के मुताबिक इसे एशिया का सबसे लंबा डैम माना जाता है, जो ओवरऑल लंबाई में 25.80 किलोमीटर का है। इसको एक और रेयर डिस्टिंक्शन मिलता है, ये फुल रिजर्वायर लेवल पर एशिया में सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक फॉर्म करता है। हीराकुड डैम महानदी के कैचमेंट एरिया का 83,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंटरसेप्ट करता है। इससे 1,59,106 हेक्टेयर की खरीफ की फसल और 1,08,385 हेक्टेयर की रबी की फसल का इरिगेशन किया जाता है, जो संबलपुर, बारगर, बोलंगीर और सुबर्णापुर जैसे जिलों तक फैली जमीन पर उगाई जाती है। ये प्रोजेक्ट फॉर्मली हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर द्वारा January 13, 1957 को इनॉग्रेट किया गया था। उस वक्त इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब ₹100 करोड़ थी। इसे यदि इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करके देखा जाए तो आज इसकी कीमत 8000 करोड़ से 8400 करोड़ के बीच संभावित है। प्रोजेक्ट ड्यूअल पर्पस डैम था, जिसमें इरिगेशन और पावर जनरेशन दोनों ऑब्जेक्टिव शामिल थे। इस डैम ने प्रोग्रेसिवली इरिगेशन और पावर जनरेशन 1956 में शुरू किया, लेकिन फुल पोटेंशियल 1966 तक अचीव हुआ। ये डैम एक कॉम्पोजिट अर्थन स्ट्रक्चर है, जो कंक्रीट और मैसनरी से बना हुआ है। हीराकुड डैम की टेक्निकल साउंडनेस और फिजिबिलिटी को सुपरवाइज करने और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मजूमदार कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ था। इस डैम में दो ऑब्जर्वेशनल टावर्स हैं, जिनका नाम नेहरू मीनार और गांधी मीनार है। इस डैम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 359.8 मेगावाट की है, जो इस प्रोजेक्ट के दो पावर हाउसेस से जनरेट होती है। एक राइट बैंक यानी बुरला नामक जगह पर लोकेटेड है, वहीं दूसरा पावर हाउस 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चिपलमा में लोकेटेड है। ये डैम कटक और पुरी जैसे बड़े शहरों को फ्लड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। जाहिर है कि जब इतना मैसिव प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो इसका इम्पैक्ट आसपास रहने वाले लोगों पर पड़ेगा ही। रिजर्वायर बनने के बाद सैकड़ों गांव इसके चंगुल में आ जाते हैं। हजारों एकड़ जमीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है। कुछ एरिया तो रिजर्वायर में डूब जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा इलाका गवर्नमेंट के पास होता है, जिसका पब्लिक प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं कर सकती। ऐसा हीराकुड डैम के साथ भी हुआ। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में एस्टिमेट लगाया गया था कि करीब 168 विलेजेस और 1,35,000 एकर लैंड हीराकुड डैम रिजर्वायर में सबमर्ज होंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के बाद सामने आया कि करीब 325 विलेजेस और 1,83,000 एकड़ लैंड डूब गए थे। इससे करीब 26,501 फैमिलीज डिस्प्लेस हुई। इंटरेस्टिंगली, लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की 2017 की एक रिपोर्ट बताती है कि फैमिलीज आज भी प्रॉमिस्ड लैंड और कॉम्पनसेशन प्राप्त नहीं कर पाई हैं, और जिन्हें कॉम्पनसेशन मिला वो मार्केट रेट से कम था। डिस्प्लेस लोगों ने हीराकुड बुदी आंचल संग्राम समिति के अंडर अपने आप को 1995 से अब तक रिप्रेजेंट किया है। उनकी मांगे एडिक्वेट कॉम्पनसेशन और रिहैबिलिटेशन रही हैं। 2018 में द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 26,000 लोगों के डिस्प्लेस होने पर रिहैबिलिटेशन फेलियर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल रिपोर्टर डिप्लॉय किया था। ये इन्वेस्टिगेशन लॉयर राधाकांता त्रिपाठी की प्ली के रिस्पॉन्स में हुई थी। मार्च 2021 में NHRC ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरीज को डायरेक्टरीज भी दिए हैं कि प्रॉब्लम के मिटिगेशन के रिगार्डिंग एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल की जाए। नोटेड एक्टिविस्ट और हीराकुड बुदियांचल संग्राम समिति से लंबे समय से जुड़े गोपीनाथ मांझी कहते हैं कि ये मूवमेंट स्लो है पर स्टेडी रहेगा। उनके मुताबिक जो लैंड अलॉटमेंट पट्टास 2002 से पेंडिंग थे, 2021 में 10,000 फैमिलीज को अलॉट हुए हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से ये भी पता चलता है कि डेवलपमेंट का कोलेट्रल इम्पैक्ट दुखद होता है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन साथ ही साथ डेवलपमेंट के लिए इन डैम्स का बनना भी ज़रूरी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।